हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना है? सुना ही होगा। ये वही पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल मतलब चार्जलेस होते हैं। एटम पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि एटम बेहद छोटा होता है, तो क्या ये जानना इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स की खोज किसने और कैसे की होगी? डाल्टन की थियरी के बाद सबको लगा था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन सोच की कोई सीमा नहीं। साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। उस दौर में डिस्चार्ज ट्यूब से एक्सपेरिमेंट ट्रेंडिंग थे। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? नाइस क्वेश्चन। लुक एट दिस। डिस्चार्ज ट्यूब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ग्लास की ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स होती हैं एंड इसको बाहर से सील कर देते हैं। इन प्लेट्स को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। जिस मेटालिक प्लेट से करंट ट्यूब के अंदर आता है उस प्लेट को एनोड या पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और दूसरी प्लेट को नेगेटिव प्लेट या कैथोड कहते हैं। इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप होता है जिससे ट्यूब में रही गैस का प्रेशर एडजस्ट हो सके। इस ट्यूब के एंड में जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगी होती है जो फ्लूरोसेंस शो करती हैं। जिंक सल्फेट के एटम एक्साइट होने पर लाइट एमिट करते हैं। हिंदी में बोले तो चमकते हैं। बट व्हाई इज दिस ट्यूब सो इम्पोर्टेंट? एक्चुअली करंट पास करने पर कुछ रेज निकलती थी जो कैथोड से निकलकर एनोड में रहे होल को पार करके जिंक सल्फेट की स्क्रीन से टकराती थी और स्क्रीन चमकने लगती थी। इन रेस को कैथोड रेस कहते थे। कई साइंटिस्ट के अतरंगी दिमाग को कैथोड रेस ने हैरान कर रखा था। उनमें से ही एक थे जे.जे. थॉमसन। करीब 1880 में कैथोड रे को समझने के लिए जे.जे. थॉमसन ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी। उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड उसके प्रिंसिपल्स खोजे जा चुके थे, इसलिए साइंटिस्ट को पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसे बिहेव करते हैं। तो जे.जे. थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के पास डिफ्लेक्शन प्लेट रख दी जिससे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। उसमें उन्होंने कैथोड रेस के बिहेवियर को स्टडी किया। कैथोड रेस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट हुई। इससे पता चला कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स एंड लाइक चार्जेस रिपेल। द क्वेश्चन वाज, नेगेटिव चार्ज ट्यूब में आया कहाँ से? एक्चुअली ट्यूब में रही गैस का एटम हाई वोल्टेज की वजह से आयोनाइज्ड हो गए जिससे नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स निकले। इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे आसपास हो रहे कई फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज स्ट्रेंज कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज इलेक्ट्रॉन से पहले ही हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन मैनी एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
रेडिएशन थेरेपी, लेजर एंड मैनी मोर। तो इस महान खोज के लिए जे.जे. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तब तक के लिए आप